हेलो दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हम आए हैं आज सुबह सुबह पतंगे लेने, जो कि आप देख सकते हैं तगड़ा सर्दी अभी भरी जा रही है और निशु लगा है भैया के साथ, और आज उड़ाई जाएगी पतंग। तो दोस्तों पतंग और मांझा सब कुछ ले लिया है। अब घर जाएंगे, पहले रक्षाबंधन मनाएंगे, उसके बाद पतंग उड़ाएंगे। इसे मैंने तिरंगा लेने भेजा था, सारी ये फटी हुई पता दे नहीं दी कौन से तिरंगा। देश के लिए आया है। ये मुझे, मैंने उसे बोला ये क्यों दे रहा, मुझे कह रहा भाई जी ये देखो बढ़िया यही है, बल सारे भाई भाई हैं देश, पता नहीं ये क्या कौन सा है, ये कोई भाई नहीं है, ये कोरिया देश लग रहा हमारा। है मुझे। उसके बाद हम आए मिठाई लेने, और देखा तो स्वीट शॉप पे इतनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था पूरा देहरादून एक ही स्वीट शॉप से मिठाइयाँ ले जा रहा है, और हम हुए वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान, बट फाइनली मिले। हाँ जी, तो अभी मैं निकल गया हूँ घर से, नीचू गए हैं, क्योंकि पतंग हम वहाँ से उड़ाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा पतंगें उड़ती है। यहाँ पे देहरादून में जो है रक्षाबंधन के दिन पतंगें उड़ती है ज़्यादा, जैसे हम नोएडा रहते थे तो वहाँ 15 अगस्त के दिन उड़ती थी, इंदिरापुरम नोएडा, यहाँ उड़ाते हैं रक्षाबंधन में। तो अभी वहीं चलते हैं क्योंकि राखी का मुहूर्त लेट है, तो तब तक पतंगे उड़ाएंगे, शाम को राखी बांधेंगे। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं निशु के घर पे छत पे, और एक मैंने छूता ही वो कर चुकी है। निशु बता दो यार, 1 साल पुराना मंजा था ये, अभी जो नया वाला वाला तो है यूज़ वो ही नहीं नया वाला जो लेके आए वो यूज ही नहीं किया, इससे छूते साफ भैया ने तो आई आई नहीं थे यार, सब लग रहा मुझे लग रहा। अरे इसने इतने गंदी पतंग में कन्ने बांधे, वो देखो कैसे घूमे जा रही है, बस घूमे जा रही है। आ रहे लक्षित लक्षित हाँ, काट दू बता इसकी, काट दो इसकी। बढ़िया पतंगबाजी चल रही थी, मगर बारिश आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। जैसे मैंने काटना शुरू किया वैसे बारिश भेज दी भगवान ने हमारी, हमने 4-5 काट दिया और एक हमारी अभी कटी है, तो देखते हैं आगे क्या चलता है रिकॉर्ड, अब बाकी बारिश का वेट करते हैं। तो जी अभी हम वेट कर रहे हैं बारिश रुकने का, तो देखते हैं कब तक। लक्षित रुक गई बारिश, अभी हल्की हुई है, बट हम चाहते हैं बिल्कुल स्टॉप हो जाए क्योंकि मांझा वगैरह सब भीग जाएगा। हेलो दोस्तों, अभी हम फिर से आ गए थे छत पे, मगर फिर बारिश शुरू। हालांकि हमने एक पतंग उड़ा ली थी वो हम दिखा नहीं पाए क्योंकि बारिश और उड़ाना सब एक साथ चल रहा है, तो मज़ा नहीं आ रहा आज, बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है, मूड ख़राब। दोस्तों फिर से बहुत तेज़ बारिश आ चुकी है, अभी फिर से हमारा प्लान कैंसिल हो गया। 4 बार कपड़े बदल लिए मैंने, मुझे लग गीले हो रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा है कि आज हम उड़ा पाएंगे भाई। आज अभी वो लेने जा रहा हूँ चाइनीज वाटर प्रूफ पतंग, वो से महमूद भाई से, चलो देखते हैं क्या होता है यार दिमाग। तो दोस्तों बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और पीछे बैठे हैं क्रिकेटर लक्षित कोठारी जी, और हम बाहर आ गए थोड़ा क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज का सारा दिन बारिश में बारिश में बारिश, इतना सच धज के आया था कि कुछ पतंग उड़ाएगा कुछ करेगा, मगर सब वाला गाना भैया कौन सा था जिसमें पतंग उड़ाता है वो है कोई फेमस दिल दे दिल दे दे भैया इस अरे नहीं पतंग पे नहीं, कोई वो स्टोरी थी उसमें ना लड़का पतंग उड़ाता है दिल्ली जैसे घर में, अरे ये राखी मेरी, अरे भाई ये राखी चोर ओ दिलदार भाई, दिलदार भाई अपनी भी दिखा दूं, उल्टे में आ रहा होगा वर्ल्ड्स बेस्ट भाई, ये हमने आपस में मान ली, कोई अच्छी राखी मान नहीं रहा था। दोस्तों मैं घर के लिए निकला हूँ तो हर जगह जाम है, और नीचे मुझे बोल रहा था कि भैया यहाँ से जाना आप, यहाँ से आपको जाम नहीं मिलेगा, और ये जाम देखो ये पूरा जाम लगा हुआ है जोगीवाला से और हमारे मौकमपुर के फ्लाईओवर तक, बाप रे बाप। तो फाइनली दोस्तों मैं घर पहुंच गया हूं, काफ़ी स्ट्रगल के बाद आज बहुत 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 ज़्यादा जाम है, मैं पहली बार इतना जाम रक्षाबंधन के दिन यहां पे देख रहा हूं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। तो इस बारी मैं जैसे रक्षाबंधन पे यहीं हूं देहरादून कुछ काम की वजह से, तो दिल्ली में जो मेरी सिस्टर्स हैं उन्होंने इस बारी राखी नहीं बांधी है, तो बट उन्होंने मुझे गिफ्ट भिजवा दिया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये डोनट्स भिजवाए हैं कुन्नू ने, कृतिका ने, थैंक यू सो मच।
अब एक इसमें से रंजना आपने खा लिया, वेरी गुड, एक खा लिया है, बाकी तीन बचे हैं, तो चलिए डोनट्स इंजॉय करते हैं। इसके बाद हम आराम करके गए शाम को मोमोज खाने। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।